हम सोचें करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है तो करंट अफेयर ही सही। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आज स्टडी में। करंट अफेयर का सेशन है, 65+ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं आपका। ठीक है, इसीलिए करंट अफेयर का सेशन है, पूरा ध्यान से वीडियो देखना है। इसमें कुछ अलग से भी फैक्ट बताएंगे और इसका PDF भी टेलीग्राम पर सेंड करेंगे तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग विक्रांति में नए हैं, जरूर से जरूर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जरूर से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कौन सी राज्य सरकार की हरियाली के संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान शुरू किया है? तो कौन शुरू किया है आपका सेव ग्रीन और स्टे क्लीन? ये शुरू किया है हमारा पश्चिम बंगाल। किसने? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ गई? तो आपके कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किन्हें यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है? किसे नामित किया है? यहाँ हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। किसे? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विनेश फोगट ने वारसा में पोलैंड ओवन कुश्ती टूर्नामेंट में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो विनेश फोगट किस राज्य से संबंधित है? ये है हरियाणा से संबंधित। कहाँ से है? हरियाणा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य में आदि पेरुकू त्यौहार मनाया गया है? किस राज्य में आदि पेरुकू त्यौहार मनाया गया है? यहाँ पे किसके? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु के राज्य में। ठीक है, अधिकतर राज्य से संबंधित पूछ लेता है कि पेरुकू किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने ग्रहण किया है? रवि कपूर। कौन है? रवि कपूर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन दो क्रिकेटरों को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है दो क्रिकेटर को? तो जेफरी बाइकॉट और एंड्रयू स्ट्रॉस। एक क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, एक वीडियो में जब CBSE का करवा रहा था करंट अफेयर तब उसमें। ठीक है, जो लोग देखते होंगे रेगुलर बेस पे उनको याद होगा ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? किस देश के साथ? तो नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, चलिए नेपाल की राजधानी भूटान, करेंसी क्या है? नेपाली रुपया है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने 2019 फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी की? किसने किया अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी? यहाँ पर हो जाएगा ब्राजील, भारत, स्पेन, पोलैंड। तो इसमें से क्या हो जाएगा? पोलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बाबूलाल गौर का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे इतना तो कन्फर्म है, लेकिन किस राज्य के थे? तो वो थे आपके मध्य प्रदेश के। कहाँ थे? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश आ गया तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री कमलनाथ और इसके जो जाएंगे आपके प्रेस गवर्नर हो जाएंगे, कौन है? लालजी टंडन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। किसका शुभारंभ किया? प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन। किसका? प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा आरा छपरा को जोड़ने वाले पुल जिसका निर्माण हाल ही में पूर्ण किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? क्या है वहां पे नाम उसका? वहां हो जाएगा आप लोगों का वीर कुंवर सिंह पुल। क्या? वीर कुंवर सिंह पुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राजगीर में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था, या ये राज्य किया था आपका महाराष्ट्र सरकार ने, किसने, महाराष्ट्र सरकार ने किया था। ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने किसकी रचनाओं के संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया है। किसकी रचनाओं को प्रकाशित किया यूनेस्को ने, गुरु नानक देव को, किसे, गुरु नानक देव की जितनी रचनाएं थी उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में, जैसे इंग्लिश हुआ और फ्रेंच हुआ, अलग अलग भाषाओं में लॉन्च किया है यूनेस्को ने। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। कौन सा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब है आपका, 22 दिसंबर को। अब गणित दिवस है तो गणित जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा था, एबेल पुरस्कार को कहा जाता है, किसे, एबेल पुरस्कार को, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो भारत की रैंकिंग बताई जा रही है, क्या थी भारत की रैंकिंग, यह थी यहाँ पे 52, कितना 52, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित हजार साल पुराने शिवालय तेजा मंदिर, मंदिर को हाल ही में हिंदुओं के लिए खोल दिया गया है, कहाँ पे है तेजा मंदिर, है सियालकोट, कहाँ है सियालकोट पाकिस्तान। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, भारतीय कृषि में सुधार हेतु मुख्यमंत्रियों के उच्चाधिकार समिति का संयोजक किस राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को बनाया गया है, ये बनाया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को। अब इस समय की बात करें कौन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो उद्धव ठाकरे हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि आदित्य L1 सूर्य के परिमंडल के अध्ययन के लिए किए देश द्वारा छोड़ा जाएगा, आदित्य L1 सूर्य के परिमंडल के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा छोड़ा जाएगा, किस देश द्वारा छोड़ा जाएगा, ये छोड़ा जाएगा भारत द्वारा, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। ठीक है चलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है, कितनी हो चुकी है अब टोटल इसमें, यह है 34, कितने 34। चलिए नेक्स्ट है कि 20वें आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, किसे दिया गया है बेस्ट फिल्म की अवार्ड, आईफा 20वें की बात कर रहा है, राजीव को आ जाएगा वहां पे। ठीक है, विंबलडन टेनिस 2019 के पुरुष एकल की विजेता कौन है, तो पुरुष एकल की विजेता है नोवाक जोकोविच, कौन है, नोवाक जोकोविच है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है तो उसमें आप दे दीजिए, कमेंट में करिए, उसको देख लिया जाएगा फिर से, नहीं तो पिन करके पहले नीचे जाके देख लिया करिए कि अगर कोई लग रहा है क्वेश्चन, तो क्योंकि हम जाके तुरंत सही कर देते हैं देखने के बाद। ठीक है चलिए, तो नीचे ही पिन मिलेगा आपको, पहला सबसे ऊपर ही कमेंट। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में क्या हुई है, 1% वृद्धि हुई, 1% कमी आई, 2% वृद्धि हुई, 2% कमी आई है, तो 1% की वृद्धि आई, अच्छी बात है, 1% की वृद्धि आई। चलिए नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के व्यापक विलय के बाद सरकारी बैंकों का संख्या कितनी रह जाएगी, टोटल संख्या हो जाएगी 12, कितने बैंकों का विलय हुआ है आपस में, 10 बैंकों का, इंपॉर्टेंट के। संप्रीति 8 2019 किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, या किन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह है भारत और बांग्लादेश, किसे, भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है कि मित्र शक्ति 6 भारत का किस देश की सेना के साथ संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मित्र शक्ति किसके साथ है, यह है आपका भारत और श्रीलंका के साथ, किसके साथ, भारत और श्रीलंका के साथ। अर्थ आवर 2019 किस तिथि को मनाया गया, तो अर्थ आवर पृथ्वी घंटा इसके किस तिथि को मनाया गया, यह 30 मार्च 2019 को मनाया गया था। ठीक है
नेक्स्ट है कि फोर्ब्स द्वारा 2019 में जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो किसे मिला है? जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोलन पहाड़ियां जिसे हाल ही में अमेरिका ने इजरायली क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है, 1967 में इजरायल ने किससे छीना था? किससे छीना था? यह था सीरिया से छीना था या कब्जा कर लिया था, ठीक, इजरायल। नेक्स्ट है कि पीवी सिद्धू विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाली भारत की पहली शटलर बनी है? यह स्वर्ण पदक जीती थी। कौन सी? स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें दी, तो अगस्त 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सभी लोग पता होगा, जो लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे, हो जाएगा आपका रवि शास्त्री। किसे? रवि शास्त्री को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पत्रकार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? कई बार हम वीडियो जो लोग लगातार देख रहे हैं, जरूर हम करवा दे रहे हैं क्वेश्चन, रवीश कुमार। ठीक है, कई टेक्स्ट सीरीज में भी आ चुका है, और जो लोग नहीं टेक्स्ट सीरीज देखे हैं, चैनल पर पड़ा है, जाके देख लीजिए। CHSL और NTPC ग्रुप डी और NDRDO MTS तीन टेक्स्ट सीरीज चल रही है इस समय। ठीक है, कंटिन्यू। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के मकोका के तर्ज पर किस राज्य ने हकोका अधिनियम अगस्त 2019 में पारित किया? हरियाणा। किसने? हरियाणा। महाराष्ट्र का कौन है? मकोका है, और हरियाणा क्या होगा? हकोका हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? या छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम से संशोधित, कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है, या जो अभी नया आया है वो 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है। चिकित्सीय शिक्षा के सुधार हेतु अगस्त 2019 में निम्न में से किसका गठन किया गया था? चिकित्सीय शिक्षा सुधार के लिए किसका गठन किया गया था? यहाँ पर हो जाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन। क्या? नेशनल मेडिकल कमीशन, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विजडन लीडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 कौन थे? 18 की बात कर रहा है इसमें, कौन थे? जसप्रीत बुमराह। कौन थे? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश का प्रथम लोकपाल मार्च 2019 में नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया गया? कौन है वह? वह है पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष, इनका पूरा नाम है। ठीक है, पहले लोकपाल हैं, जान लीजिएगा। नेक्स्ट है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में 50 वर्ष कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा के लिए अवार्ड दिया गया है, ये किसे दिया गया अवार्ड? ये दिया गया था आपको हेमा मालिनी को। किसे? हेमा मालिनी को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक युकिया अमानो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के थे? युकिया अमानो थे यहाँ के आपके महानिदेशक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कहाँ से रिलेटेड थे, किस देश से? ये थे जापान के। कहाँ के? जापान के थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि मनरेगा के अंतर्गत सबसे कम मजदूरी किस राज्य में है? तो किस राज्य में सबसे कम मजदूरी? ये आपकी उत्तर प्रदेश और दो बिहार दोनों में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला गणितज्ञ करेन केस्कुला किस देश की हैं? तो किस देश की हैं या करेन केस्कुला? यह अमेरिका की। अभी बताया ना कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? गणित के क्षेत्र में, गणितज्ञ के क्षेत्र में दिया था विशेषता के। चलिए, ये अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सीसा का 5वां शिखर सम्मेलन जून 2019 में कहाँ आयोजित किया गया? सीसा का आपका जो है 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ? दुशानबे में। कहाँ पे? दुशानबे में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी टेलीविजन हस्ती को UNDP का सद्भावना दूत बनाया गया? UNDP के सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? तो पद्म लक्ष्मी को। किसने? पद्म लक्ष्मी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
भारतीय मौसम विज्ञान का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मृत्युंजय महापात्र, किसे? मृत्युंजय मोहपात्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का दूसरा हेरिटेज सिटी कौन है? तो भारत का दूसरा हेरिटेज सिटी कौन है, यहाँ पे हो जाएगा देखिए जयपुर। जयपुर को और भी एक नाम से जाना जाता है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। किस देश ने हाल ही में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु भारत सहित 48 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा शुल्क मुफ्त किया है? तो कौन सा ऐसा देश है जो, यह श्रीलंका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 में सम्मानित साइमन एन ग्रुट किस देश के कृषि वैज्ञानिक हैं? किस देश के कृषि वैज्ञानिक हैं? नीदरलैंड को। कहाँ के? नीदरलैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे और भी याद आ जा रहा है आप लोगों को, याद आ रहा है कि नहीं, कि भी हाल ही में कौन सा देश है जो भारतीय पर्यटकों पर शुल्क लगा दिया है? कौन सा देश ऐसा है? भूटान है। भूटान एक छोटा सा पॉल्यूशन फ्री कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे लोग जा रहे हैं तो प्रदूषण हो रहा है, या तो भाई उसी लिए वह पर चार्ज लगा दिया है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? भूटान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू, और उसके जो करेंसी सबसे ज़्यादा पूछती है न्यूग्लेटरम है। ठीक है, कई बार पूछा है, जान लीजिए। नेक्स्ट है कि महिलाओं के किस खेल को 2022 में कॉमनवेल्थ खेलों में सम्मिलित करने हेतु जून 2019 में नामित किया गया? तो कौन से खेल को नामित किया गया? यहाँ पे था क्रिकेट के, यहाँ पे क्रिकेट के, किस? क्रिकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2019 शुरू हुआ, बताइए इस अभ्यास युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण है? ध्यान दीजिएगा, अमेरिका से संबंधित है, या संयुक्त सैन्य अभ्यास 2019, यह 15वां संस्करण था। कौन सा? 15वां संस्करण। ठीक है, चलिए एक नई सीरीज आने वाली है यूट्यूब मतलब चैनल पे, जैसे कि हर मंथ का पूरा लगभग टॉप 200 क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसमें कहीं से भी एक महीने करेंट अफेयर्स, कहीं से भी, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपीपीसीएस तक, यूपीएससी को छोड़कर यूपीपीसीएस तक पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, एक गारंटी है। ठीक है, तो आप जरूर बताएं कि वो सीरीज आए या ना आए, कहें कि बनकर तैयार है, बस उसे आप लोगों को और मॉडिफाई करके पीडीएफ भी बनाया जा रहा हूँ विथ सॉल्यूशन, उसका आंसर पूरा सहित टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपका उसका। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या वो सही है, आए या ना आए। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट भेज दें। यहाँ पे है कि किस प्रथम आईपीएस अधिकारी को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 दिया गया? 18 की बात कर रहा है, कौन है? अर्पणा कुमार है। कौन है? अर्पणा कुमार है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है आपका, यहाँ हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसे अपना विशेष दूत नियुक्त किया है? दिया मिर्जा को, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा, क्वेश्चन में भी आया था इससे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य के राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए थे, हुए हैं? किस राज्य से संबंध हुए हैं आपका, यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि 17 मई 2019 के विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम क्या थी? थीम भी कई बार पूछ लेते हैं, यहाँ दो क्वेश्चन बनता है। 17 मई को क्या मनाया जाता है? उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी इस बार की 2019 की, क्या थीम थी? यहाँ पे थी नो योर नंबर्स। क्या? नो योर नंबर्स। कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? कौन है? कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL, ठीक है, CPL में शामिल होने वाला पहला है इरफान पठान। कौन है? इरफान पठान है, सभी लोगों को पता हो गया। नेक्स्ट है कि चक्रवाती तूफान फेनी ने मई 2019 में निम्न में से किस तट पर तबाही मचा दी थी पूरा? ठीक है, वह पोह मचा दिया था, कौन सा यहाँ आपका? उड़ीसा का तट था। कौन? उड़ीसा। इसका नाम फड़ी फनी बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन इसका फेनी कह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने 31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का मसौदा सरकार को प्रस्तुत किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है के कस्तूरी रंजन, कौन है? कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है, इसी ने नई शिक्षा नीति की मसौदा सरकार को प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट है, 18वें विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2019 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता? तो किसे तैराकी में किसने सर्वाधिक पदक जीता थे? यहाँ से अमेरिका ने जीता था, किसने? अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट है, हॉल ऑफ फेम टेनिस 2019 के विजेता जॉन इसरन किस देश के से हैं? किस देश के हैं जॉन इसरन? ये है आपका अमेरिका के भी हैं, ठीक है। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 कहाँ खेला जाएगा आपका? कहाँ होगा? 13वां की बात कर रहा है विश्व कप, ये होगा भारत में, सभी लोगों को पता होगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यदि पिछली की बात करें, 12वां कौन जीता? तो इंग्लैंड जीता था। किसे हराया था आपका? यह हराया था आपका न्यूजीलैंड को, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि सूदी रमन कप 2019 किस देश ने जीता? तो सूदी रमन कप किस देश ने जीता? चीन ने जीता था, किसे? चीन ने जीता था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया? पहले राहुल गांधी थे, फिर सोनिया, वो इस्तीफा दे दिए तो सोनिया गांधी को बनाया गया। किसी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली धाविका कौन बनी है? कौन बन गई है आपके? दुति चंद्र। कौन है? दुति चंद्र, ठीक है। तो ये रहा 65+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ तो यार, अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मोस्ट पावरफुल वीडियो आपके यहाँ पहुँचता ही रहेगा समय से। बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके बाद ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, यदि अच्छा लगा है वीडियो तो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, मेरे मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।